हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास 5 सोशल स्टडीज वर्कशीट टॉपिक सिग्नल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, टॉपिक संकेत यंत्र। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट 3 थिंग्स और प्लेसेस वेयर फोटोग्राफ्स आर यूज्ड। किन्हीं 3 जगहों या वस्तुओं के नाम लिखो जहाँ फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर वी विल राइट राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, बस पास एट्सेट्रा। दीज आर द थिंग्स और प्लेसेस वेयर फोटोग्राफ्स आर यूज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? द आंसर इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। क्वेश्चन 3, व्हाट वर्ड्स वर यूज्ड बाय ग्राहम बेल टू हिज असिस्टेंट्स ऑन हिज फर्स्ट टेलीफोन कन्वर्सेशन? ग्राहम बेल ने अपनी टेलीफोन की वार्तालाप में दूसरी तरफ टेलीफोन पर अपने असिस्टेंट्स को क्या कहा था? द आंसर इज वॉटसन कम हेयर। क्या कहा था? वॉटसन कम हेयर, वॉटसन यहाँ आओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट डैश स्टार्टेड द हेलो ट्रेडिशन। द आंसर इज एडिसन, एडिसन स्टार्टेड द हेलो ट्रेडिशन। सेकेंड डैश इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेलवे सिग्नल्स। द आंसर इज सेमाफोर, सेमाफोर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ फिक्स्ड रेलवे सिग्नल्स। थर्ड डैश वॉज द फर्स्ट सिग्नल इंस्ट्रूमेंट invented many years ago. The answer is semaphore. Semaphore was the first signal instrument invented many years ago. चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, an American dash invented a camera in which a film roll was used for the first time. The answer is George Eastman. An American, George Eastman, invented a camera in which a film roll was used for the first time. George Eastman एक अमेरिकी थे जिन्होंने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया जिसमें फिल्म रोल का प्रयोग किया गया था। 5th, dash is the system which was prepared by Samuel Morse. The answer is Morse code. Morse code is the system which was prepared by Samuel Morse. Morse code पद्धति Samuel Morse ने तैयार की थी। चलिए next question करते हैं। Question 5, ask your elders and find out how they used to send messages to far location in their time. अपने घर में बड़ों से जानकारी लीजिए कि उनके समय में दूर संदेश भेजने के क्या क्या साधन थे, वो कैसे संदेश भेजते थे अपने टाइम में। तो चिल्ड्रन, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड राइट द आंसर। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दिस। आपकी सुविधा के लिए मैं यह लिख रहा हूँ। दे यूज टू सेंड मैसेजेस बाय टेलीग्राफ, पिजन्स एंड हरकारा इन देयर टाइम। वो अपने समय में टेलीग्राफ, पिजन्स और हरकारा आदि के द्वारा संदेश भेजते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड आउट विच फोन नंबर विल यू कॉल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन केस ऑफ, दी गई परिस्थितियों में आप किस नंबर पर फ़ोन करोगे, पता करके लिखिए। फर्स्ट फायर, आग लग जाए तो हम डायल करेंगे 101 101। सेकेंड थेफ्ट, थेफ्ट होगी तो किसे बुलाएंगे, पुलिस को। और पुलिस बुलाने के लिए डायल करते हैं
zero, zero, 100. Third, to take a patient to the hospital. किसी रोगी को अस्पताल ले जाने के लिए क्या बुलाते हैं? एम्बुलेंस. तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करेंगे 102. फोर्थ, चाइल्ड एब्यूज, बाल शोषण के खिलाफ. अगर आप देखते हैं कि आसपास किसी बच्चे का शोषण हो रहा है तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं. दिस इज द नंबर ऑफ चाइल्ड हेल्पलाइन एंड द नंबर इज 1098 10 9 8 1098 फॉर चाइल्ड एब्यूज. चलिए आगे बढ़ते हैं. लाइफ स्किल, टाइम मैनेजमेंट, जीवन कौशल, समय प्रबंधन. अलॉन्ग विद वर्क, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. सफलता के लिए कार्य के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है. वर्क डन एट द राइट टाइम इज ऑलवेज फ्रूटफुल. फॉर दिस सम थिंग्स हैव टू बी डन इन लाइफ. उचित समय पर किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है. सफलता के लिए कार्य के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है. इसके लिए कुछ बातों को जीवन में उतारना जरूरी है. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन एवरी मॉर्निंग. हर सुबह जो काम निपटाने हैं उनकी सूची तैयार करें. मेक योर टास्क अ प्रायोरिटी. अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें. स्केड्यूल टाइम टू कंप्लीट ईच ऑफ योर टास्क. अपने प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें. कीप एन आई ऑन योर लिस्ट एंड कीप मैचिंग द लिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क. अपनी सूची पर नज़र रखें और कार्य को पूरा करने के लिए सूची से मिलान करते रहें. रेस्ट फॉर अ वाइल इन बिटवीन योर टू टास्क. अपने दो कार्यों के बीच में कुछ देर आराम करें. एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ योर डेली लाइफ एंड डू दैम एट द स्केड्यूल टाइम. गतिविधि, अपने प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर उन्हें निर्धारित समय पर पूरा कीजिए. तो बच्चों, आज लाइफ स्किल में आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. संस्कारशाला, नेवर टेक इनकम्प्लीट नॉलेज बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज लाइक अ पॉट हाफ फिल्ड विद वाटर, डजेंट वर्क बट स्पिल्स अ लॉट. अधूरा ज्ञान कभी मत लो क्योंकि अधूरा ज्ञान आधे जल से भरे घड़े की तरह होता है. काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है. स्पॉट्स डॉट्स हाउस, मेक अ लॉट ऑफ डॉट्स ऑन अ सीट एंड मेक हाउस बाय जॉइनिंग टू डॉट्स एट अ टाइम फॉर्मिंग अ लाइन. हूएवर बिल्ड्स द हाउस फर्स्ट विल बी द विनर. डॉट्स हाउस, एक सीट पर बहुत सारे डॉट्स बनाने हैं और दो डॉट्स मिलाकर एक बार में एक लाइन बनाते हुए घर बनाने हैं. जिसने पहले घर बना दिए वह विजेता होगा. फूड बॉटल गॉड रिच गॉड. खाना पीना घिया तोरी की सब्जी. एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच यू कैन सपोर्ट योर मॉम और डैड. गतिविधि, उन गतिविधियों की सूची बनानी है जिनमें आप अपने मम्मी या पापा का सहयोग कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. तो यहाँ पर डेली रूटीन दिया गया है कि अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता को ग्रीटिंग करके करें, अर्थात उनका अभिवादन करें. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें. टेक अ बाथ डेली, रोजाना स्नान करें. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, बहुत सारा पानी पिएं और संतुलित आहार लें. अवॉइड टचिंग ऑफ योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने चेहरों को छूने से बचें और हाथों को बार बार धोएं. कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें. तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम. थैंक यू.